It's really amazing here. The energy is very lively. It feels like as if everyone was celebrating when Nam Raj was stopped when Lord Ram came. को देखकर हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद मना रहे हैं. हमारी भारत ऐसे रोज हंसती खिलती ही हम देखना चाह रहे हैं. आज इतना दिव्य समय है कि विदेशों से आ रहे हैं हमारे, और उसी प्रकार एक पूर्ण सदगुरु ही होते हैं जिन्होंने इन्हें भी बोध कराया. ये ज्ञान की अग्नि उसी को ही देता है कि दुनिया को बताने के लिए कि ये जो भक्त है मेरा, ये ब्रह्मनिष्ठ को जानता है. नमस्कार, आप देख रहे हैं लीजिक भारत और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी. लगातार जिस तरीके से अयोध्या नगरी सज रही है, संवर रही है, चारों ओर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं. लेकिन देश भर से तो मैंने आपकी मुलाकात करवाई, लेकिन विदेश से आई महिलाओं को जो संपूर्ण रूप से सनातन रंग में रंगी हुई दिख रही है, इनसे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि राम धरती पर आकर के कैसा लग रहा है. सबसे पहले नाम जानना चाहूंगी. Jai Shri Ram. My name is Saint Gabrielle and I'm a disciple of Her Holiness Mahashtana Shambhali. You know Hindi? No, I don't, but I understand Hindi thanks to my Guru Ma's Kripa. Okay. आज का ये जो दिन है, राम मंदिर जो बन करके तैयार हो रहा है, आप लोग अयोध्या नगरी में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? It's really amazing here. The energy is very lively. It feels like as if everyone was celebrating when Nam Raj was stopped when Lord Ram came. So it's very, very beautiful here. It's a lot of positive atmosphere, positive energy. It's great. आप कैसे देख रही हैं और आप लोगों का जो पहनावा है वो एकदम attractive करने वाला है, तो क्या कुछ उसके बारे में कहें? तो जय श्री राम. My name is Dr. Sadhvi Vakshi Bharti and I am a disciple of Her Holiness Maa Ashutosh Shambhali Ji. तो ये वस्त्र गुरु इसीलिए ही देता है, ये ज्ञान की अग्नि उसी को ही देता है कि दुनिया को बताने के लिए कि ये जो भक्त है मेरा, ये ब्रह्मनिष्ठ को जानता है, वो उस ईश्वर को जानता है. इसीलिए वो आपको देता है कि समाज उससे आकर्षित हो और वहाँ उसके पास आके आध्यात्मिक प्रश्न पूछे. तो इसीलिए और यहाँ आने का अयोध्या तो बहुत दिव्य लग रही है और यहाँ हर एक भारतीय को देखकर हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद मना रहे हैं. हमारी भारत ऐसे रोज हंसती खिलती ही हम देखना चाह रहे हैं. बेसिकली आप लोग मतलब कि लंदन से ही हैं या फिर यहीं पे ही जन्म? I was born in London, so I was born in London. I was born there. I was raised there. Had my education there, and I came here because I met my Maa Ashutosh Shambhali Ji. She gave me that divine knowledge, and after that, my life was changed, and now I'm here in her seva. And जैसा कि बताया कि आप लोग लंदन में ही पढ़े बले हैं, लेकिन उसके बाद भी भारतीय संस्कृति से जो जोड़ करके देखा जा रहा है, तो कैसा अनुभव करते हैं और भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर के बारे में क्या कहेंगे? जय श्री राम. मैं दिल्ली से हूँ, मैं लंदन से नहीं हूँ. और भारतीय संस्कृति की बात है तो भारतीय संस्कृति कितनी स्ट्रांग है और वो सभी भाषाओं की, कहते हैं संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है. भारतीय संस्कृति जड़ है, पहले भारतीय संस्कृति है, उसके बाद सब कुछ है. और भारतीय संस्कृति कितनी स्ट्रांग है उसका एग्जाम्पल आप सभी के समक्ष है कि विदेश से आकर्षित होकर ये साध्वी बहने, एक समय था विवेकानंद जी विदेशों में गए थे कि सुनो भारतीय संस्कृति ये है, उन्होंने परचम लहराया वहां जाके. लेकिन आज इतना दिव्य समय है कि विदेशों से आ रहे हैं हमारे, और लेकिन इसमें एक चिंतन का विषय है, उसमें फोकस होना बहुत जरूरी है कि जड़ में कौन है जिन्होंने उनके भीतर ये जागृति की कि भारतीय संस्कृति क्या है, अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है. वो जागृति इनमें कैसे हुई कि ये भी अपनी माया के दुनिया में वहाँ थे, परंतु उस माया से निकाल के इस पवित्रता में उनको कौन लाया? वो लाया है एक पूर्ण सतगुरु जो हमारी गुरु माँ है, परम पूजनीय माँ आशुतोष शांबरी जी. जैसे विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस जी ने इन चीजों का बोध कराया, उसी प्रकार एक पूर्ण सतगुरु ही होते हैं जिन्होंने इन्हें भी बोध कराया, जिसके कारण ये इस भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को आज जान पाई है और ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन कराती है हमारी गुरु माँ. और आप सभी को मैं बता दूं कि इस समय हमारी गुरु माँ परम पूजनीय माँ आशुतोष शांबरी जी गहन समाधि में है पिछले 1.5 महीने से, और इस संकल्प के साथ है कि सर श्री आशुतोष महाराज जी, जिनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, वो 2014 में समाधि में चले गए थे और बहुत दिव्य समाधि है उनकी, और उस दिव्य समाधि से माँ उनको लौटाएंगी क्योंकि 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं. और माँ ने बताया है कि महाराज जी का उस दिव्य समाधि से लौटने का समय हो गया है और उसी यात्रा को माँ आगे कर रही है. आखिरी सवाल लूंगी, राम मंदिर जो बन करके तैयार हो रहा है, प्रभु श्री राम के लिए आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रभु श्री राम तो हमारे हृदय में बसते हैं और माँ की कृपा से हमने उसके दर्शन किए हैं. हमारा बस यही शुभकामना है कि इस जग के हर एक व्यक्ति को उस ईश्वर का दर्शन मिले, उसको वो आत्म चेतना उसकी जागृत हो, और उसके लिए वो अपने शास्त्रों ग्रंथों का अध्ययन करे और उसके आधार पे एक गुरु की
प्राप्ति करे जो आपके अंतर्गत में ईश्वर दर्शन दिखा दे। वो कसौटी आपके वेद शास्त्रों में है, उस कसौटी पर उतर के ऐसे गुरु को प्राप्त करे जो आपको ईश्वर के दर्शन करा दे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये बात इस बात की गवाही देती है कि किस तरीके से लंदन से भी जो लोग आए हैं, माया नगरी अगर इस तरीके से इन्होंने बताया, उस माया नगरी से निकलते हुए सनातन की अनुभूति, सनातन की संस्कृति कितना कुछ हमें याद दिलाती है, सिखाती है। और जब प्रभु श्री राम का दिन आए तो यकीनन ये अद्भुत चीजें तो देखने को मिलती हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रजा के साथ आस्था तिवारी।